हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद इकुंज। कल राजकृष्णा सिंह ने हैप्पी टीचर्स डे विश किया था। अच्छा लगा विश सुन के। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। द फर्स्ट वर्ड इज वी हैव गॉट इज आल्सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ द एडिटोरियल रियर। रियर का मतलब होता है किसी चीज का पिछला हिस्सा। तो जैसे कि यहाँ पे कार की बात हो रही है, कार के जो भी साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ था परसों, आप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो रियर गार्ड एक्शन मतलब कि पीछे के एक्शन की, पीछे के हिस्से की बात हो रही है कि क्या कैसे क्या करें कि कार एक्सीडेंट रिलेटेड डेथ्स कम हो जाए, ठीक है। आइए डिटेल्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड इज मेरेली। मेरेली में आर साइलेंट होता है, मेरेली बोलते हैं। इसका मतलब होता है ओनली या फिर नथिंग मोर, कुछ भी ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बिना जाया दिन बीते, जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिलीज हुई थी रिपोर्ट, ठीक है, उसके ज्यादा दिन नहीं बीते, उसमें ही क्या हुआ कि उस रिपोर्ट में क्या मेंशन था कि जो लोग रोड एक्सीडेंट में मरे थे, ठीक है, वो हाईवे लेवल पहुंच गए 2014 से, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज हुई इसके कुछ दिन ही बीते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन चेयरमैन प्रकाशन साइरस मिस्त्री का एंड अ फेलो पैसेंजर लॉस्ट देयर लाइफ। उन्होंने अपनी जीवन मतलब उनका उनकी मृत्यु हो गई संडे को, जब वो जो कार में वो सफर कर रहे थे वो एक्सीडेंट हो गया उसका पारगढ़ महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजिक, मतलब बहुत ही उदास, बहुत ही सैड करने वाली चीजें या फिर डेथ डिस्ट्रक्शन इनको मेंशन करने वाली चीजें। तो जब किसी की मौत होती है तो बहुत ही अच्छी चीज नहीं होती है, तो उसे ट्रेजिक कहते हैं, ठीक है। कॉमेडी का उल्टा ट्रेजेडी है और इसलिए ट्रेजिक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जब किसी की तैनाती कहीं पे होती है ना, जैसे कि किसी का पुलिस में सिलेक्शन हो गया, उसकी तैनाती कोई एक शहर लेट से गोरखपुर में हुई है, तो उसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो मेन मतलब है ये है कि जो ट्रेजिक और अवॉइडेबल एक्सीडेंट, मतलब ऐसा एक्सीडेंट जो ट्रेजिक था और जिसको अवॉइड किया जा सकता था, इसे क्या करना चाहिए इस एक्सीडेंट को। इस एक्सीडेंट को जो अवेयरनेस होती है कार सेफ्टी की, उसकी उसको अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, हाइटेन करना चाहिए, ठीक है। कार सेफ्टी डिप्लॉयमेंट, जो कार सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं, क्या क्या मेजर्स होते हैं कार सेफ्टी में, बहुत सारे होते हैं। वैसे तो ईबीएस है, एबीडी, एबीएस है, ईबीडी है, फिर क्या कहते हैं आपका सीट बेल्ट होती है सबसे इंपॉर्टेंट, और उसके बाद और भी चीजें होती हैं, ठीक है, राइट। तो उसकी पोजीशनिंग कैसे हो, ठीक है, उसकी अवेयरनेस को बढ़ा रहा है ये एक्सीडेंट, और उनका एनफोर्समेंट हो रोड सेफ्टी अथॉरिटीज से, ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आ गई। डिप्लॉयमेंट याद रहेगा, तैनाती, पोजीशनिंग। नेक्स्ट वर्ड इज फेटलिटीज, ठीक है। फेटल मतलब समथिंग विच एंड्स इन अ डेथ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से आज समझा जा सकता है कि जो लो कॉस्ट रेजिस्टेंस सिस्टम होते हैं, जैसे कि कुछ व्हीकल्स में बहुत हाई फाई हाई एंड के महंगे सिक्योरिटी सिस्टम लगे रहते हैं, लेकिन ये जो सीट बेल्ट है, एयर बैग है, ये सारे जो है लो कॉस्ट सिस्टम्स हैं, रेजिस्टेंस सिस्टम, जो एक्सीडेंट से बचाए। रेजिस्टेंस कितना मतलब बचाना, सॉरी, ठीक है। तो इनका यूज जो है वो कार पैसेंजर रिलेटेड फेटलिटीज को कम करेगा, कम करने में मदद करेगा। फेटलिटीज डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंट और डिजास्टर, किसी भी एक्सीडेंट से, दुर्घटना से होने वाली मृत्यु, कोई, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्क। स्टार्क मतलब होता है एक्सट्रीम, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ये कह रहे हैं कि जो अवेयरनेस है वो सीट बेल्ट की इन्फोर्समेंट है, सीट बेल्ट यूज के इन्फोर्समेंट है, वो थोड़ा थोड़ा तो बढ़ा है, ठीक है, डिस्पाइट, बावजूद इसके कि जो नॉन कॉम्प्लायंस के नंबर्स हैं, ठीक है, नॉन कॉम्प्लायंस रेटेड डेथ्स के नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम है, ठीक है। देखिए क्यों एक्सट्रीम कह रहे हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एस्टिमेट किया था कि 26,000 लोग 2017 में मर गए थे यूज नहीं करने से, सीट बेल्ट नहीं यूज करने से, ठीक है, एक्सीडेंट्स में, ठीक है। एक और वर्ड है नॉन कंप्लायंस, मतलब कि कॉम्प्लायंस नहीं करना, कंप्लाई नहीं करना, ठीक है,
या फिर जो नियम बना है उसे उसके अकॉर्डिंग में एक्ट नहीं करना, ठीक है, ये मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मिसहैप। मिसहैप का मतलब होता है एन अनप्रेडिक्टेबल आउटकम दैट इज अनफॉर्चुनेट, ऐसा आउटकम जो कि अनफॉर्चुनेट हो, ठीक है, और जिसको प्रेडिक्ट ना कर सकते हो। यहाँ कहा जा रहा है कि ये एक शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि जो स्टडी है इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी की यूएस, उसने दिखाया है कि रियर ऑक्यूपेंट जो होते हैं, मतलब पीछे वाली सीट पे जो बैठते हैं, वो 8 गुना ज्यादा सीरियस इंजरीज को सफर करने की प्रोबेबिलिटी उनकी 8 गुना ज्यादा होती है कोई भी एक्सीडेंट में। मिसहैप मतलब एक्सीडेंट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा। अगर उन्होंने बकल अप नहीं किया, बकल अप मतलब देखिए कितना सुंदर है, फास्टेन योर सीट बेल्ट, एक ऐसा फ्रेज है आपके पास, बकल अप, इसका मतलब होता है अपनी सीट बेल्ट बांधना। इसको इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि यू नो बकल अप, देयर इज अ सेशन ऑफ 4+ आवर्स ऑफ वोकैब इन फ्रंट ऑफ यू, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, तन के बैठ जाइए, मतलब ठीक है, तैयार रहिए। यहाँ पे तो ऑब्वियसली मतलब डिफरेंट मीनिंग है कि व्हीकल में सीट बेल्ट बांधने को, तो अगर उन्होंने बकल अप नहीं किया है, मतलब सीट बेल्ट नहीं बांधता है, तो किसी एक्सीडेंट में उनके सीरियस इंजरीज को सफर करने की चांसेस 8 गुना ज्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज विप्लैश। विप्लैश क्या होता है? विप्लैश भी एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, जिसकी मीनिंग है होती है कि गले में चोट लगना अगर कोई गाड़ी जो है बहुत तेजी से एक्सेलरेट करे या उसमें ब्रेक लगे, ठीक है, तो उससे जो गले में चोट लगती है उसे विप्लैश कहते हैं। बहुत स्पेसिफिक वर्ड है, बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है एक्चुअली। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है पास रहना, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो कि डेथ और इंजरीज का, जो चोट लगने और मृत्यु की जो पास के कॉजेज हैं, मतलब जो कॉज सबसे नजदीक का दिख रहा है, वो हाई स्पीड ड्राइविंग है, ठीक है, इस पार्टिकुलर इंसिडेंट में। इन लाइन अगर, अच्छा हाँ, तो मैं ये एक चीज और मुझे पॉइंट आउट करना था आज, कि जब भी मैं ये आपको पढ़ाऊँ ना, तो मतलब जब भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ ऐसे, तो आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि इस मतलब इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। वैसे तो ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है, तो वैसे जब आप सोचेंगे ना उसको हाथ से छुपा के जैसे भी, तो आपको याद रखने की, उस वर्ड का मीनिंग याद रखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, कि आपको ये लगेगा कि मैंने इसे कहीं पढ़ा है पहले, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जो प्रॉक्सिमेट कॉज है, सबसे नजदीक का जो कॉज है वो हाई स्पीड ड्राइविंग है, जो कि इन लाइन है। इन लाइन इज अगेन एन ईडियम, इसका मतलब होता है नॉट ईडियम, आई मीन इट्स अ नाउन, इसका मतलब होता है इन एग्रीमेंट विद, सहमत होना, जो कि सहमत होती है एनसीआरबी की फाइंडिंग से कि 56% जो इंडिया का रोड एक्सीडेंट है वो ओवर स्पीडिंग से कॉज हुआ था। लेकिन ये तो कहा ही जा रहा है, ये भी सच है कि पुलिसिंग हैज ऑफन रिजॉर्टेड टू सिंपलिस्टिक मेथड्स टू डिटरमाइन ड्राइवर्स फॉल्ट इन मोस्ट रोड एक्सीडेंट। जो पुलिसिंग है, मतलब पुलिस जो है वो रिजॉर्ट करती है, रिजॉर्ट का मतलब घर होता है, रिजॉर्ट का मतलब होटल, होटल का एक तरह का होटल भी होता है, लेकिन जो रिजॉर्ट यहाँ वर्ब की तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब कि बेस होना या फिर रिकॉर्ड्स होना, मतलब किस चीज पर अपना बेस करना है। तो वो कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो अक्सर सिंपलिस्टिक मेथड्स को बेस बनाती है डिटरमाइन करने के लिए कि ड्राइवर का फॉल्ट होता है ज्यादा अधिकतर रोड एक्सीडेंट्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवर स्पीडिंग के अलावा भी कुछ कॉजेज हो सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स के, ठीक है, ड्राइवर का फॉल्ट या जो भी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल होल मेड अप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड रिलेटेड पार्ट्स, एक बड़ा सा होल मास जो कि कॉम्प्लिकेटेड या तरीके से चीजों से बना हुआ हो, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जो रोड सेफ्टी रिपोर्ट है वो पॉइंट आउट करती है कि एनसीआरपी का फिगर जो है वो ग्रॉस अंडर एस्टिमेट है, ठीक है, और जो एक ही तरीका है जो फेटलिटीज को रिड्यूस करने का, कि इंस्टीट्यूट एविडेंस बेस्ड इंडिया स्पेसिफिक, कि वो इंस्टीट्यूट करें, ठीक है। इंस्टीट्यूट करें मतलब, इंस्टीट्यूट का मतलब तो इंस्टीट्यूट आप सबको मालूम है कॉलेज वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो वो कहते हैं सेटअप और ले द ग्राउंड वर्क फॉर, कि वो एविडेंस बेस्ड इंडिया स्पेसिफिक एंड इफेक्टिवली रोड सेफ्टी पॉलिसीज को इंस्टीट्यूट करें, मतलब उनका ग्राउंड वर्क बनाए, तैयारी करें उसके लिए।
उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है कि कॉम्पोजिट फैक्टर्स, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड और अलग अलग पार्ट्स वाले फैक्टर्स, जैसे कि पुअर रोड डिजाइन है, मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में एक्सीडेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक और सजेशन है इनका कि मीडियंस को रिमूव कर दें। मीडियंस जो होते हैं ना, जो रोड को डिवाइड करते हैं इंटरसिटी हाईवे में, और उसको रिप्लेस करते हैं स्टील गार्ड रेल से या वायर रोप बैरियर से, और ये चीज भी कंसिडरेशन डिजर्व करती है, ठीक है। मेरिट का मतलब, मेरिट तो आप लोगों को सबको मालूम है, जो एग्जाम में होता है मेरिट लिस्ट निकलती है, लेकिन जब मेरिट को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है डिजर्व। तो ये बात भी, ये दोनों चीजों का जो ये सजेस्ट कर रहे हैं, स्टील गार्डेड और वायर रोप बैरियर, इसका ये सजेशन भी कंसिडरेशन डिजर्व करती है, ठीक है। तो ये थे आज के वर्ड्स। कैसा लगा आज का सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ कमेंट, सॉरी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।